जया पाड़ा भी ज़्यादातर फिल्में पैन इंडिया या फिर 2 या 3 लैंग्वेज में रिलीज़ होता है। और आज मैं ऐसे ही पैन इंडिया नहीं बल्कि सिर्फ 2 लैंग्वेज में रिलीज़ होगा ऐसा अपकमिंग बायलिंगुअल फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो सही सभी फिल्मों के बारे में जानने के लिए शुरू से तक की वीडियो ज़रूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। भगवान वत्थी और यहाँ पर ये है धनुष राजा का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट। और यहाँ पर धनुष को एक जूनियर कॉलेज प्रोफेसर के रोल में नजर आएंगे और साथ में होगा समुक्ता मेनोन और अटलूसो। जहाँ पर इस फिल्म को डेट करी है थोली प्रेमा का डायरेक्टर वेंकी अतलूरी ने। और वत्थी फिल्म की शूटिंग की बात करूँ तो जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग अभी हैदराबाद पर चल रही है। और धनुष राजा का ये फिल्म बायलिंगुअल अपकमिंग फिल्म है जो तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगा और इस फिल्म के साथ धनुष राजा का होगा तेलुगु डेब्यू। नंबर 2 द वॉरियर और ये है एनर्जेटिक स्टार राम पुथिनी का नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म और जो एक्शन ड्रामा फिल्म होगा जहाँ पर राम के साथ आदिपिनी शेट्टी और कृति शेट्टी को लीड रोल में नजर आएंगे। और इस फिल्म को डेट करी है एन लिंगुसामी ने जिन्होंने संदा कोजी जैसे फिल्म में डेट किया है। और तो दोस्तों जहाँ पर राम को अपनी कैरियर में पहली बार के लिए एक पुलिस वाला अफ्तर में नजर आएंगे और दूसरी तरफ इसमें आदि ने एक विलन वाला अफ्तर निभाएंगे यानी कि इस फिल्म पर राम वर्सेस आदि का बराबर टक्कर देखने को मिलेगा। और ये फिल्म तेलुगु के साथ ही साथ तमिल भाषा पर रिलीज होगा 14 जुलाई। नंबर 3 वरिसु और ये है थलपति विजय का अपकमिंग फिल्म और जो एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें विजय के साथ इंडियन का नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को लीड रोल में नजर आएंगे। और इस फिल्म को डेट करी है वंशी पाइदीपाली ने जिन्होंने इससे पहले महर्षि जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म में दिया है। और जब पर रिसेंटली थलपति विजय का बर्थडे के मौके पर उनका फिल्म थलपति 66 का फर्स्ट लुक और साथ में टाइटल को अनाउंस की गई है और जहाँ पर टोटल 3 पोस्टर रिवील्ड हुआ है। एक पोस्टर पर विजय का रहा काफ़ी स्टाइलिश सीरियस वाला लुक, दूसरा पर बच्चों के साथ उनका लुक और तीसरा वाला रहा बाइक वाला मैस लुक। और बताए दोस्तों विजय का ये अपकमिंग फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए होने वाले है एक बड़ा सा ट्रीट। और विजय का ये फिल्म बायलिंगुअल यानी कि तमिल के साथ ही साथ तेलुगु भाषा में रिलीज होगा और जो रिलीज होगा काफ़ी ग्रैंड वे से पोंगल 2023 पर। नंबर 4 NC22 और ये है टॉलीवुड का यंग एक्टर नागा चैतन्य का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और जिसको डेट करी है वेंकट प्रभु ने जिन्होंने इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म मानादू डेट किया है। और जहाँ पर रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें विलेन के अफ्तर में थ्रिलिंग मास्टर अरुण विजय को नजर आएंगे। और बता दोस्तों नागा चैतन्य का ये अपकमिंग फिल्म तेलुगु के साथ ही साथ तमिल भाषा में भी रिलीज होगा। नंबर 5 प्रिंस और ये है कॉलीवुड का प्रिंस शिवा कार्तिकेयन का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और जो एक कॉलेज ड्रामा फिल्म होगा। और बता दोस्तों इसमें शिवा के साथ यूक्रेन एक्ट्रेस मारिया और सत्या राज को लीड रोल में नजर आएंगे। और इस फिल्म को डेट करी है अनुदीप ने जिन्होंने इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म जाथिरत्नालू डेट किया है। और जहाँ पर शिवा को एक सोशल साइंस का टीचर के रोल में नजर आएंगे और जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिवील्ड की गई है। और बता दोस्तों अब इस फिल्म का शूटिंग काराईकुदी और पोंडिचेरी पर हो रही है और ये फिल्म तमिल के साथ ही साथ तेलुगु भाषा में रिलीज होगा दिवाली के मौके पर। नंबर 6 विश्वक्सेन अपकमिंग और ये अपकमिंग रोड ट्रिप फिल्म होगा जहाँ पर विश्वक्सेन के साथ ऐश्वर्या अर्जुन और जगपति बाबू लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दोस्तों इस फिल्म को डेट करी है कन्नाडा का एक्शन प्रिंस अर्जुन सर्जा ने और इस फिल्म के साथ अर्जुन का बेटी ऐश्वर्या की तेलुगु डेब्यू होगा यानी कि ये फिल्म तेलुगु के साथ ही साथ तमिल भाषा पर रिलीज होगा। नंबर 7 कैप्टन मिलर और ये अपकमिंग एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पर धनुष राजा को लीड रोल में नजर आएंगे और साथ में होगा प्रियंका मोहन। और जहाँ पर इसका स्टोरी 1930s का टाइम पीरियड पर दिखाया जाएगा और जहाँ पर धनुष को पहली बार के लिए एज ए कैप्टन नजर आएंगे। और बता दोस्तों ये फिल्म तमिल के साथ ही साथ तेलुगु भाषा में रिलीज होगा। नंबर 8 रजनी और ये कालिदास जयराम का अपकमिंग फिल्म है जहाँ पर कालिदास के साथ नमिता प्रमोद और रेबा मोनिका लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दोस्तों जहाँ पर कालिदास ने रिसेंट रिलीज फिल्म विक्रम पे यूनिवर्सल स्टार कमल हसन का बेटा का रोल निभाई है। और बता दोस्तों कालिदास की ये अपकमिंग फिल्म तमिल के साथ ही साथ मलयालम भाषा में भी रिलीज होगा। नंबर 9 रेंडगम और ये अपकमिंग थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर अरविंद स्वामी, जैकी श्रॉफ, ऐशा रेब्बा और कुंचा कोबान को लीड रोल में नजर आएंगे।
और बता दोस्तों, जहाँ पर रिसेंटली इस फिल्म का टीजर रिवील की गई है, जहाँ पर अरविंद स्वामी को डेविड यानि दाऊद के रोल में नजर आ रही है और ये फिल्म होने वाली है पक्का एंटरटेनमेंट फिल्म और जो फिल्म तमिल के साथ ही साथ मलयालम भाषा में भी रिलीज होगा। नंबर 10, निविन पावलीज नेक्स्ट। और ये है निविन पावली का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर निविन के साथ अंजलि और सूरी को लीड रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म को डेट करी है राम ने और मलयालम के साथ ही साथ इस फिल्म को तमिल भाषा में भी रिलीज कर दिया जाएगा। नंबर 11, आयशा। और ये अपकमिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर मॉलीवुड का लेडी सुपरस्टार मंजू वारियर को लीड रोल में नजर आएंगे और इसमें उनकी होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टर और जो फिल्म मलयालम के साथ ही साथ अरेबिक भाषाओं में भी रिलीज होगा। नंबर 12, हर्षवर्धन राणे नेक्स्ट। और ये है बॉलीवुड का अपकमिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर हर्षवर्धन राणे को काफ़ी एक्शन पैक एक्टर में नजर आएंगे और इसको डेट करी है नवरसा का डायरेक्टर विजय नंबियार ने। और बता दोस्तों, ये फिल्म हिंदी के साथ ही साथ तमिल भाषा में भी रिलीज होगा। तो सो ये रहा इंडिया का अपकमिंग बायलैंगुअल यानी कि जो फिल्म टोटल 2 लैंग्वेज में होगा रिलीज। तो सो इस लिस्ट पर कौन सा अपकमिंग फिल्म के लिए आप सब एक्साइटेड है कमेंट पे बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और इसके बॉलीवुड साथ ही नजर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।